नमस्कार जी, मैं मंजू। और आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको स्मॉल लिली के बारे में बताऊंगी, जो कि पिंक कलर का है। तो इसको कैसे ग्रो करना है? इसको लगाना बहुत ही आसान है, और केयर नाम से भी ज़्यादा इसके साथ कुछ नहीं करना पड़ता। अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ये साल भर ग्रीन बने रहते हैं। गर्मियों में इनकी पत्तियां जो हैं थोड़ी सूखने लगती हैं, बट अगर इनको पानी मिलता रहे तो फिर भी वो थोड़ी हरी भरी ही रहती हैं। और बरसात का पानी जैसे ही इनको मिलना स्टार्ट होता है तो ये अपने आप पूरे ही हरे भरे हो जाते हैं और इनमें फूल आना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे कुछ भाई बहनों की फरमाइश थी कि स्मॉल लिली पे वीडियो बनाया जाए। तो मैं बड़े दिनों से सोच रही थी कि आज बनाऊं कल बनाऊं, ऐसे ऐसे दिन बीतते जा रहे थे और थोड़ा लंबा टाइम हो गया इंतज़ार का। तो आज मैंने टाइम निकाल ही लिया और सोचा मैं उन भाई बहनों की फरमाइश पूरी कर दूं। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है, और एक वीडियो मैंने जो बनाया हुआ है, जिन मेरे भाई बहनों ने नहीं देखा होगा तो वो देख सकते हैं। उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि मेरे गार्डन में जो है ये लिली फ्लावर्स खिल रहे हैं। ब्लूमिंग लिली फ्लावर्स इन माय गार्डन, ये है टाइटल, तो आप वो देख सकते हैं। तो उसमें पिंक कलर के फूल इसमें खिले हुए हैं। तो इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, और जैसे आप इसको पानी देते रहते हैं और इसमें फूल आते रहते हैं। और इसकी जो इसको लगाना है, कैसे लगाना है, सीड तो मैंने इसका कभी देखा नहीं है, इसको बल्ब के साथ ही लगाना पड़ता है। तो ये स्मॉल पिंक कलर के जो लिली हैं, पिंक लिलीज, ये आपको ठंडी जगहों में भी मिल जाएंगे और गर्म जगहों में भी मिल जाएंगे। ये सब जगहों में ग्रो कर जाते हैं और इजीली ग्रो होते हैं। ये मैंने हिमाचल में भी बहुत देखे हैं, और ये ज़मीन के नीचे भी अच्छे से चलते हैं, ज़मीन में वलिक बहुत ही अच्छे से चलते हैं। और अगर ठंडा मौसम रहता है और थोड़ा पानी वगैरह अच्छा रहता है, मिलता है इनको, तो ये इतने सारे निकल जाते हैं, निकलते ही रहते हैं जैसे बीड़ होता है, तो आपको ये उखाड़ने पड़ सकते हैं। तो मैंने तो इसको एक छोटी सी ये बोतल में लगा रखा है, ये इतना सारा फैल गया है। और आप इसको छोटी सी छोटी बोतल में भी लगा सकते हैं, आप इसको बड़े से बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, ये सब चीज़ों में अच्छे से चल पड़ता है। और गर्मियों में जब इसकी पत्तियाँ सूख के मुरझाने लगती हैं, गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है जहाँ पानी नहीं मिलता है, तो उन दिनों गर्मियों में आप इस प्लांट को छाया वाली जगह में रख सकते हो और इसमें बराबर पानी डालते रहें। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, मिट्टी को सॉफ्ट रखें, तो ये सालों साल आपके घर में बने रहते हैं। तो इसको लगाना कैसे है मैं आपको ये बताऊं। तो इसके कुछ इस तरह से ये बल्ब होते हैं, ये आप देख रहे हैं इस तरह से। ये बहुत ही मुश्किल से मैंने ये इनको निकाला है पॉट में से, ये इस तरह से, ये ऐसे इस तरह से, ये देखिए ये ऐसे बल्ब होते हैं इनके। तो आप इनको किसी भी चीज़ में ग्रो कर सकते हैं। और मिट्टी आप ऐसे रखें कि अगर आपके पास, ये देख रहे हैं आप इस तरह से, ये बल्ब निकाले हैं मैंने, मिट्टी आप इस तरह से रखें कि चाहे मिट्टी किसी भी तरह की मिट्टी हो, उसमें आप थोड़ी गोबर की खाद मिक्स कर सकते हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए, या फिर आप उसमें थोड़ी सी बालू मिक्स कर सकते हैं ताकि आपका ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक रहे। और बालू आपको ज़्यादा मिक्स नहीं करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी करनी है। तो मैंने ये एक पॉट रखा है, छोटी सी बोतल रखी है, और मैं इसको हैंगिंग भी बना सकती हूँ। तो मैं आज इसी में आपको लगाना बताऊंगी, और लगा के आप इसको किसी भी जगह में आप रख दीजिए। इसको धूप बहुत पसंद है, तो
जैसे कि मैंने इस बोतल में पानी डाल दिया था मुझे लगाने थे, तो इसकी मिट्टी पूरी अच्छी तरह से गिल्ली है, कोई प्लांट नहीं था इसमें, तो काफ़ी दिनों से इसमें कुछ पानी पड़ा नहीं था, तो फिर मिट्टी मैंने थोड़ी सॉफ्ट करने के लिए इसमें पानी मिक्स कर दिया। बस इसको कैसे लगाना है, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप कोई बड़ा पॉट लेते हैं तब तो ये जो बल्ब हैं आप उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी में लगा दें, और जब ये फैलते हैं तो ये इकट्ठे इकट्ठे ऐसे, ये देख रहे हैं, ये रूट्स के साथ इसको इस तरह से गड्ढा करके ये इस तरह से लगा देना है, ये लगा देना है। तो और फिर इसको इस तरह से मिट्टी से ढक देना है इसको, और पानी इसमें देते रहना है, और इसी बोतल में फिर खूब सारे अपने आप ही निकल आएंगे, बस एक बारी आपको लगाने की ज़रूरत है। और अगर किसी कारणवश मेरे बहन भाइयों के यहाँ थोड़ी पानी की प्रॉब्लम है, गर्मियों में ये प्लांट सूख जाता है, तो उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा प्लांट मर गया। तो जैसे ही बरसात में उनके पॉट में या कहीं ज़मीन में पानी गिरेगा तो ये अपने आप दोबारा निकल आएंगे, बस ये मिट्टी को ऐसे दबा देना है, तो ये बहुत ईजिली ग्रो कर जाते हैं। और इनकी कोई ज़्यादा बस पानी थोड़ा दें, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, और धूप में इसको धूप इसको मिलती रहे तो फिर फूल बड़े अच्छे इनमें आते रहते हैं। तो इस तरह से मैंने एक लगा दिया है इसमें। और अगर जिन भाई बहनों ने मेरा वो वीडियो देखा होगा, मैंने अपने घर की और गार्डन की पुरानी फोटोग्राफ्स डाले हुए हैं, वो एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें मैंने एक हैंगिंग बास्केट बनाई थी और अपने गैलरी में साइड में मैंने टांगी हुई है। उसमें मैंने ये कुछ वो हैंगिंग बास्केट में ये पिंक लिली फ्लावर्स छोटे वाले ये लगाए हुए हैं, और इनके साथ मैंने फर्न के, क्योंकि फर्न भी बड़ा सुंदर लगता है, अगर हैंगिंग बनाओ आप चाहे आप दूसरे तरीके से बनाओ तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो ये दोनों को मिला के मैंने लगाया हुआ है। तो आप चाहें तो वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, और उसमें ये लिली फ्लावर्स हैं ऐसे लगे हुए हैं, तो बड़े सुंदर लगते हैं ये फैले हुए। तो अब आपने देख लिया होगा कि इसमें मिट्टी की कोई रिक्वायरमेंट भी, कोई स्पेशल मिट्टी नहीं होती, बस ये है कि थोड़ी सॉफ्ट मिट्टी हो जाए और पानी उसमें अच्छे से रच बस जाए, यही आपको करना है। और दूसरी चीज़ ये आपको करनी है, गर्मियों में आप अगर पॉट में लगा रहे हैं तो इन पॉट को उठा के थोड़ा छाया में रख लें और पानी बराबर इनको देते रहें। अगर ज़्यादा पानी है आपके पास तो आप दो तीन टाइम इनको दे सकते हो, ये हरे भरे रहेंगे। और अभी आजकल मैं सिर्फ एक टाइम ही पानी इनको देती हूँ, जैसे सब प्लांट्स में डालती हूँ और इनको भी एक टाइम ही देती हूँ। और ये ठंडी जगहों में भी बहुत ही अच्छे से चलते हैं, और गर्म से गर्म जगह हो वहाँ भी ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और मेरे यहाँ 48 डिग्री टेम्परेचर जाता है। तो कई भाई बहनों ने पूछा है कि गर्म जगह में लगने वाले प्लांट्स बताइए आप, कि जो अच्छे से जिनकी ग्रोथ होती हो। तो ये लिली जो प्लांट है आप गर्म से गर्म जगह में भी लगा सकते हैं, और मैंने कई सारे प्लांट्स के बारे में वीडियो बनाया है, जैसे ओलियंडर के बारे में बनाया, वो ओलियंडर गर्म जगहों में बहुत अच्छे से चलते हैं, और चांदनी बहुत अच्छे से चलती है जिसे जैस्मिन भी कहा जाता है। तो और भी बहुत सारे करीब जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरी जो ये यहाँ पे जगह है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो जो भी मेरे यहाँ प्लांट्स लगे हैं तो इसका मतलब वो गर्म जगह में अच्छे से चल पड़ने वाले हैं, तो आप वो सब प्लांट्स अपने घर में लगा सकते हैं। तो होप करती हूँ कि आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और ये मेरा पॉट गिल्ला ही है, अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी दे दूँगी, और ये 1.5 या 2 लीटर की बोतल होगी मेरे ख्याल से, तो मैंने इसको लगा दिया है और मैं इसको धूप में ही हैंग कर दूंगी। तो इसको इसका ये चक्कर नहीं है कि इसको जब लगाओ
और इसको छाया में रखना है। आप तभी उसी टाइम इसको अगर बल्ब के साथ अच्छे से रूट के साथ ग्रो करते हो तो आप इसको धूप में उसी टाइम रख सकते हो, और जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी और पानी मिलेगा और ये आपका प्लांट बहुत अच्छे से फैलेगा और जल्दी फैलेगा। तो आप इसको कोई तेल का डिब्बा 5 लीटर का खाली है उसमें ग्रो कर सकते हैं, और दोनों साइड रस्सी बांध के इसको हैंगिंग प्लांट की तरह भी बना सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ठीक है दोस्तों, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और ये जो मेरे बहुत सारे ये बल्ब ये बच गए हैं इनको भी मैं कहीं और किसी जगह में लगा दूँगी। अब मुझे क्योंकि इसमें तो जगह नहीं है और बोतल में तो मैं सिर्फ एक ही प्लांट लगाना चाहूँगी ताकि इसमें अच्छे से ग्रोथ होती रहे। तो बस आपको यही सब करना है, और ड्रेनेज सिस्टम ठीक रखना है और पानी इसको बराबर देते रहना है। धन्यवाद।